नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोफेरड के बारे में। ये देखिए, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ये माइक्रोफेरड, क्यू माइक्रोफेरड, MFD, ये इसके ऊपर सब लिखा हुआ होता है। ये बारे में बात करेंगे, ये माइक्रोफेरड क्या होता है, ये MFD क्या होता है, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये माइक्रोफेरड क्या होता है, MFD क्या होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दे, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ फैन के, कूलर के भी कैपेसिटर हैं और ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं जो हम सर्किट में लगाते हैं। और ये देखिए, जो हमारा ये माइक्रोफेरड होता है, माइक्रोफेरड एक इकाई होती है जो हम कैपेसिटर को नापते हैं और इसकी वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये 4700 माइक्रोफेरड या 4700 μF, तो कुछ इसको μF बोलते हैं, कुछ MFD बोलते हैं, कुछ माइक्रोफेरड बोलते हैं। तो ये इसकी एक इकाई होती है, ये माइक्रोफेरड इसकी इकाई होती है। चलो, हम इससे पहले आपको कुछ दूसरे तरीके से समझा देते हैं। ये देखिए, ये मेरी एक बैटरी है, इन बैटरियों के ऊपर मिली एम्पियर एच MAH लिखा हुआ होता है, ऐसे ही इसके ऊपर कैपेसिटर के माइक्रोफेरड लिखा हुआ होता है। चलो हम बैटरी के बारे में बता दें, ये जो हमारी बैटरी है इसके ऊपर ये 9 वोल्ट 250 AMH लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये 200 MAH की है, जो ये स्टोरेज 200 MAH तक करेगी। और ये वाली ये 100 MAH की है, तो ये 100 MAH तक इसको स्टोर करेगी। इसका हमको कितनी देर तक चलाना है, ये इसकी AMH पर निर्भर करता है। सेम जो हमारी बैटरी ये स्टोरेज करती है MAH, और ये इसकी वैल्यू जो होती है वोल्ट और AMH मिली एम्पियर आवर्स, ये इसकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ये इसकी एक इकाई होती है, ये हमारे जो कैपेसिटर हैं इनकी वैल्यू को प्रदर्शित करती है। ये मेरा 470 माइक्रोफेरड है, तो ये 470 माइक्रोफेरड तक वोल्टेज को स्टोरेज करेगा, ये अपने आप को चार्ज करेगा, इससे ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। अब ये एक इससे छोटा है, ये देखिए, ये मेरा 10 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, तो ये 10 माइक्रोफेरड तक ही इसको स्टोरेज करेगा और मैक्सिमम जो वोल्टेज है इसकी 450 तक ही ये सहन कर पाएगा। यदि इससे ज्यादा आएगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये इसकी एक खास चीज और है, ये देखिए, ये 4500C, ये 4500C जो लिखा हुआ है इसको कोई नहीं बताएगा, इसको मैं बताता हूं। ये 4500C ये टेम्परेचर है, यदि इससे ज्यादा टेम्परेचर इसके ऊपर आ गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ कैपेसिटर के ऊपर -डिग्री होता है और ऊपर +डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ होता है, -डिग्री में भी काम करते हैं। जो मिलिट्री ग्रेड के कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टेंस होती हैं, ये -डिग्री में भी काम करते हैं। जो हमारी पहाड़ी इलाका है जहां -डिग्री में टेम्परेचर होता है, वहां भी ये काम करते हैं। इनके ऊपर ये लिखा हुआ है कि हमें इसको कहाँ लगाना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगाना है। इसके स्टोरेज की बात करते हैं, ये कितना चार्ज करता है, अपने अंदर कितनी वोल्टेज मेजर करता है, कितनी अपने अंदर स्टोर करता है। ये देखिए, 10 माइक्रोफेरड है, तो ये कम वोल्टेज अपने अंदर स्टोर करेगा। और ये मेरा माइक्रोफेरड का है, तो ये 8 माइक्रोफेरड तक स्टोर करेगा। और 420 वोल्ट का है, तो 420 वोल्ट तक ये सहन करेगा, इससे ऊपर वोल्टेज आ जाती है तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, पटक जाएगा। तो दोस्तों, कैपेसिटर का इस तरह का ही काम होता है। तो जो इम्पोर्टेंट खास है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। हम इसका प्रैक्टिकल करा देते हैं, देखिए हम टेस्ट करा के दिखा देते हैं ये अपने अंदर कैसे स्टोर करता है। ये
पंखे का, कूलर का एक कैपेसिटर है, ये देखिए, ये हमने इसको चार्ज कर दिया है। और कैसे स्टोर करता है ये देखिए, ऐसे ये ब्लास्ट करता है और पूरा स्टोर किया हुआ है। जितना बड़ा कैपेसिटर होगा इतना ज्यादा इसमें स्टोरेज होगी। एक बार और दिखा देते हैं, ये देखिए, जितना ज्यादा स्टोर होगा इतना ज्यादा ब्लास्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे, जैसे बैटरी स्टोरेज करती है अपने अंदर वोल्टेज को, ऐसे ही कैपेसिटर भी वोल्टेज को स्टोरेज करता है। कुछ चार पांच कैपेसिटरों को सीरीज में पैरेलल में जोड़कर हम इससे वोल्टेज स्टोरेज कर सकते हैं। अब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात करते हैं। ये कैपेसिटर भी हमारे दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये देखिए, ये इसमें हमारी पोलरिटी है, ये हमारे माइनस वाले कैपेसिटर हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये माइनस का है और ये प्लस का है। और ये मेरा जो एसी के कैपेसिटर होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। ये देखिए, ये जैसे 10 माइक्रोफेरेड का है तो ये कम वोल्टेज स्टोरेज करेगा, और ये हमारे 470 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का है तो ये 470 माइक्रोफेरेड वोल्टेज करेगा और 50 वोल्ट तक ये काम करेगा वाला। ये 47 माइक्रोफेरेड तक स्टोरेज करेगा और 50 वोल्ट तक ये कार्य करेगा। इससे ज्यादा इसमें वोल्टेज देंगे तो ये फट जाएगा। माइक्रोफेरेड इसकी एक इकाई है। और अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं, इसमें ये कैसे वोल्टेज स्टोरेज करता है, कैसे कार्य करता है। हमारी एलिमिनेटर वाली पावर सप्लाई है, हम इसको टेस्ट करा के दिखा देते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये यहाँ लगाया और ये देखिए, ये 14 वोल्ट दिखा रहा है। इसको 14 वोल्ट पर चार्ज कर लेते हैं। देखिए 14 वोल्ट ये अपने अंदर स्टोरेज करता है। यदि हम इसको 50 वोल्ट देंगे तो 50 वोल्ट स्टोरेज करेगा। और कितनी देर तक करता है ये इसके माइक्रोफेरेड के ऊपर निर्भर करता है। ये 4700 माइक्रोफेरेड है तो ये ज्यादा चार्ज करेगा, और ये वाला हमारा 10 माइक्रोफेरेड है तो ये कम वोल्टेज स्टोर करेगा और 450 वोल्ट तक स्टोरेज करेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला कम माइक्रोफेरेड का ही आपको टेस्ट करा के दिखा देते हैं। ये हमें माइनस का माइनस पे लगाना है, प्लस का प्लस पे लगाना है। ये मेरा माइनस है और रेड वाला मेरा प्लस है। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको लगा दिया है और ये हमारा 10 माइक्रोफेरेड तक चार्ज हो गया है। अब हम देखिए यहाँ वोल्टेज दिखा देते हैं, इस पे वोल्टेज दिखाएंगे। ये हमारी वोल्टेज है ये, और यहाँ देखिए ये हमारी 12 वोल्ट चार्ज हो रही है, धीरे धीरे डिस्चार्ज करा है, जैसे हमारी धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती है। अब एक प्रूफ और दिखा देते हैं। ये देखिए, हमारी ये एलईडी बल्ब है तो कैसे चार्ज करता है। ये देखिए, यहाँ ये लगाया हमने और ये देखिए, एक बड़ा कैपेसिटर लेते हैं। ये हम बड़ा कैपेसिटर ले लेते हैं, ये हमारा 220 का है तो 220 पर भी हम ऐसे ही चार्ज करेंगे। ये माइनस माइनस पे, प्लस प्लस पे, ये देख लीजिए, ये 220 हमें ये कहां तक करता है। अब ये देखिए 220 कितनी देर तक रखेगा। और ये हमने माइनस पे लगाया, ये प्लस पे लगाया, देखिए ये इससे कुछ ज्यादा देर तक ये स्टोरेज करता है, 220 माइक्रोफेरेड का है। अब हम बड़े कैपेसिटर की बात करते हैं। ये हमारा बड़ा कैपेसिटर है, 4700 माइक्रोफेरेड का है तो ये ज्यादा चार्ज करेगा। माइनस का माइनस पे लगाएंगे, प्लस का प्लस पर लगाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, ये देखिए, ये हम इसको कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ये चार्ज हो गया है। अब इसके वोल्टेज भी यहां देख लेते हैं कितने चार्ज हुआ है। ये देखिए, ये 13-14 वोल्ट तक चार्ज हुआ है। ये देखते हैं कि ये ज्यादा देर तक अपने अंदर वोल्टेज को स्टोरेज करता है। ये देखिए, जितना बड़ा कैपेसिटर होगा इतनी ज्यादा देर तक अपने अंदर वोल्टेज को स्टोरेज करेगा, ज्यादा वोल्टेज को स्टोरेज करेगा। ऐसे ही हमारी बैटरी होती है,
देखिए अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। हमारी बैटरी होती है, बड़ी बैटरी होती है, छोटी बैटरी होती है, जितना भी इनके ऊपर AH MH लिखा हुआ होगा इतने ही ज्यादा वोल्टेज वो स्टोरेज करती है, ज्यादा चलती है। इस प्रकार से कैपेसिटर जितने ज्यादा माइक्रोफेरड का होगा उसकी चार्जिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और कम माइक्रोफेरड का होगा तो चार्जिंग बहुत कम होगी। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय